लिखो तो क्वेश्चन लिखिए, समजात तथा समरूप अंगों के, समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखो, समजात अंग अलग अलग स्पेसिज के, समजात अंग अलग अलग स्पेसिज के जीवों में अलग अलग काम करते हैं, जीवों में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है, एक समान होती है। जैसे मनुष्य के हाथ और पंछी के पंख और पंछी के पंख दोनों रूपांतरित अग्रपाद हैं, दोनों रूपांतरित अग्रपाद हैं। इन अंगों को समजात अंग कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। यही पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। वैसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान काम करते हैं लेकिन आधारभूत संरचना एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होता है। समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कबूतर के पंख और तितली के पंख कबूतर के पंख में हड्डियां होती हैं, लेकिन तितली के पंख में नहीं। प्रश्न अगला लिखो, वे कौन से कारक है। हमको लगता है लिखा हुआ है, जो नई स्पेसिज के
जो नई स्पेसीज के उद्भव में सहायक हैं, उद्भव में सहायक हैं। उत्तर लिखो, नई स्पेसीज के उद्भव में, नई स्पेसीज के उद्भव में निम्न कारक सहायक हैं, निम्न कारक सहायक हैं। नंबर एक में लिखिए प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। दो नंबर में आनुवांशिक विचलन, दो नंबर में आनुवांशिक विचलन। तीन नंबर में जीन प्रवाह न होना, जीन प्रवाह न होना। चार नंबर में डीएनए जैसे गुणसूत्रों की, डीएनए जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। पांच नंबर दो उपसमष्टियों का, दो उपसमष्टियों का पूर्ण रूप से अलग होना, पूर्ण रूप से अलग होना। प्रश्न अगला लिखो, क्या भौगोलिक पृथक्करण, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के, अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक, जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है, हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं। उत्तर लिखिए, भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन जीवों के जाति, अलैंगिक जनन जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक, उद्भव का प्रमुख कारक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में परस्पर,
उत्पन्न संतति में परस्पर बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर होता है परंतु समानता बहुत अधिक होती है। परंतु समानता बहुत अधिक होती है जो थोड़ी बहुत विविधता होती भी है वह डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण होती है। न्यून त्रुटियों के कारण होती हैं। ये नई विभिन्नताएं इतनी मुख्य नहीं हैं जिससे किसी नई जाति का उद्भव हो सके। प्रश्न अगला लिखो। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए। जिनका उपयोग हम दो स्पेसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उत्तर लिखो। सभी कशेरुकी जीवों में पादों की आधारभूत संरचना एक समान होती है। समजात अभिलक्षणों से भिन्न दिखाई देने वाले
विभिन्न स्पेसीज के बीच, विभिन्न स्पेसीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में, विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे मेढक, छिपकली, पंछी, जैसे मेढक, छिपकली, पंछी तथा मनुष्य के अग्रपादों की आधारभूत संरचना एक समान है, एक समान है। जबकि विभिन्न जीवों में, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए बदलाव होते हैं